हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अवैस और आप लोग देख रहे हैं अवैस व्लॉग्स। तो गाइस, आज सीन कुछ ही हुआ है कि आज का व्लॉग जो है वो हमारा घर के खाने के ऊपर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चिकन की ब्लैक पेपर हांडी किस तरह बनाते हैं। कुछ लोग इसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको वाइट चिकन भी बोलते हैं, चिकन वाइट चिकन की कढ़ाई। तो आए आपको इसकी मेकिंग बताता हूँ कि इसकी मेकिंग किस तरह होती है। अब हम बनाएंगे ब्लैक पेपर चिकन, चिकन विद ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है। चले, आज हम क्या बनाने लगे हैं? चिकन ब्लैक पेपर। चिकन ब्लैक पेपर। सबसे पहले ऑयल डाल रही हूँ। कौन सी कंपनी का ऑयल है ये? वैसे आई थिंक मेजान का है। कोई नया ही है? हाँ, कोई नया ही है। ये फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहे हैं? नहीं, मैं वैसे अपनी तरफ घर पे ही यूज कर रही हूँ। अच्छा, ओलिविया का ऑलिव ऑयल है जी यार। अच्छा, ऑयल। चलो, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज, मेरा आया ही नहीं। प्याज थोड़ा सा फ्रेश रहेगा। सबसे पहले प्याज सही होगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन। मुर्गी पालो, अच्छी तरह अंदर फट जाए, जरा तेज हो जाए। फिर चलो। अच्छा, ये क्या क्या पड़ा हुआ जी इसमें? इसमें ये चिकन है, इसमें फिर अदरक और नींबू और हरी मिर्चें हैं, ये क्रीम है और ये नमक, जीरा, काली मिर्च, दही, बस। अच्छा, इसमें यही सब करना है, इसमें ये चीजें आनी है बस। चलो, ये अदरक और लहसुन डाल दिया। अब इसको करोगी थोड़ा सा फ्रेश करूंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें मुर्गी डाल दो। इसके बाद में चिकन आ जाएगा। अच्छा, चिकन डाल दिया, चिकन डाल के रेडी होने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन एक घंटा लगता है। अगर आप प्रेशर कुकर फिर तो बहुत जल्दी जल जाता है। अच्छा, मैं पर प्रेशर नहीं पा रही, कोई जल्दी नहीं है। चलो, अच्छा बस। अच्छा, अब ये चिकन पक गया है। अच्छा, ये देखो इसका ऑयल भी निकल रहा है, गल भी गया चिकन। हाँ, हमने पानी डाल के रखा हुआ था, इसको भी हो गया कोई आधा घंटा, और आधे घंटे से कम ही हुआ है। अब इसमें जाएगी ये काली मिर्च, ये मैंने आधी डाली है, 1 टेबल स्पून। ठीक है, आप चख लो, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। काली मिर्च है ये, इसमें ये तैयार है ऑलमोस्ट, समझो आप, ये भी तैयार है ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये काली मिर्च मैंने डाल दिया, ये मेरे पास जीरा है, ये जीरा भी डाल दिया अंदर। अच्छा, बाकी बाकी के बाद अब ये थोड़ा इसको अच्छी तरह मैरिनेट। हाँ, ये दही तो पानी अपना खुश्क हो जाए, फिर पकाया बाद में करते हैं क्या क्या डाल। हाँ, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो ना। चलो, बस नमक मिर्च आप चख लो अपने हिसाब से, कम या ज्यादा कर सकते हो। ये देखा, दही जल चुकी है। हाँ, और दही का पानी थोड़ी खुश्क हो गया। अब ये फ्रेश मलाई है, ये मलाई डाली है। हाँ, ये मलाई डाली है। इसे क्या हुआ? इससे बस अच्छा बनेगा, जायके आएंगे, जायके आएगा। ये इसमें गया नींबू, लेमन। हाँ, इसका प्रस एक डाल है, नींबू एक डालना बस। हाँ, एक पूरा लेंगे, ठीक है। और ये ऊपर से डाल देंगे। अब इसमें ये देखो, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें इधर डाल दी और थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे, ठीक है। ठीक है, बस इससे इसको मिक्स होगा और ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये रेडी है, आंच बंद हो गई मेरी, फाइनल हो गया। बस अब ये सिर्फ लास्ट पे गार्निश। मैं ये लास्ट में, मेरे पास क्रीम है जो मैं लास्ट में बिल्कुल गार्निशिंग पे डालूंगी। ये भी लास्ट में डालूंगी, ठीक है। लो जी, ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब सिर्फ रेडी टू ईट है, हम इसे खावांगे खाने के बाद।
ले गाइस, खाना हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। हांडी आप चेक कर सकते हैं, व्हाइट राइस भी आप इसको बोल सकते हैं और ब्लैक पेपर चिकन भी बोल सकते हैं। तो आप इसकी फर्स्ट बाइट लेते हैं और चेक करके बताता हूँ आपको कैसा बना है। बड़ा ही टेंडर है भाई, बहुत टेंडर है। ये देखिए इसकी फर्स्ट बाइट, बहुत ही मजे का, बहुत ही लजीज। अगर आप इस तरह की मजे मजे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊं, किस खाने के ऊपर बनाऊं। अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।